तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूयि गृह्णन्ति ये भूरिदाजना। आइए वचनामृत का यह चिंतन आगे बढ़ाते हैं। 5 अगस्त 1882 अध्याय 7वां, और इस अध्याय 7 के अंतर्गत यह आखिरी भाग है जिसका शीर्षक है अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। यहाँ सोचना यह है, चिंतन यहाँ से ही शुरू करना है कि महेंद्रनाथ गुप्त जिन्होंने यह वचनामृत या कथामृत लिपिबद्ध किया, संक्षेप में जो उनके डायरी में था उसको उन्होंने मनन चिंतन के द्वारा ध्यान करके उसको आँखों के सामने प्रत्येक प्रसंग को संपूर्ण विस्तार से पूरी बारकाइयाँ स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल थिंग्स इसको लेकर पूरा मनन चिंतन ध्यान करने के बाद ही ये वचनामृत उन्होंने एक तरह से हर प्रसंग उन्होंने लिपिबद्ध किया, लिख कर हमारे लिए जैसे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक धरोहर, एक आध्यात्मिक संपत्ति हमारे हाथों में सुपुर्द कर दिए, अर्पण कर दिए एक तरह से। देखिए, इसीलिए महेंद्रनाथ गुप्त ने प्रत्येक अध्याय को लेकर उसका एक विश्लेषण करते हुए श्री रामकृष्ण देव की बातों को एक एनालिसिस करते हुए उसको सुंदर ढंग से सजाकर प्रस्तुत किया है। अब ये 5 अगस्त 1882 का यह जो सप्तम परिच्छेद या गुजराती के कथामृत में शायद इसको अध्याय कहते होंगे, तो इसको ही अगर हम एक उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं तो देखिए, संपूर्ण 5 अगस्त 1882 श्री श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर के यहाँ पधारे हैं, तो शुरू से प्रारंभ से लेकर विद्यासागर के घर से दक्षिणेश्वर वापस जाने तक जो श्री रामकृष्ण और विद्यासागर या वहाँ जो उपस्थित अन्य अन्य भक्त थे उनके साथ जो वार्तालाप हुआ उसको हूबहू महेंद्रनाथ गुप्त ने निश्चित रूप से प्रस्तुत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विशेषता क्या है, तो प्रत्येक बात को सोच समझकर सुयोग्य शीर्षक देकर महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत में प्रत्येक घटना का वर्णन किया है। तो ये जो शीर्षक उन्होंने सब टाइटल्स, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि देर इज ए मेन टाइटल टू द अध्याय, और उस अध्याय के अंतर्गत सब टाइटल्स देकर महेंद्रनाथ गुप्त ने श्री श्री रामकृष्ण देव की बातें हमारे थाली में जैसे परोसी हैं। तो यहाँ ये जो 7वां भाग है, 7वें अध्याय के 7वां भाग, 5 तारीख 5 अगस्त 1882, शीर्षक है अहैतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। पिछले प्रवचन में ये पूरा सप्तम परिच्छेद हमने पढ़ लिया है, तो पता नहीं आप लोगों ने इस विगत 7 दिन में
इसको लेकर कुछ चिंतन मनन किया है या नहीं, आपके मन में पता नहीं यह बात जागृत हुई कि ये सप्तम अध्याय के सप्तम भाग को श्री रामकृष्ण देव ने अहैतुक कृपा सिंधु यह शीर्षक क्यों दिया। उसके पीछे महेंद्रनाथ जी का जो भाव है वह बड़ा ही सुंदर कि ये सब जो आध्यात्मिक बातें श्री रामकृष्ण देव ने प्रस्तुत की हैं, भक्ति योग का रहस्य, मैं और मेरा यही अज्ञान, इस अज्ञान से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए उपाय के स्वरूप विश्वास और भक्ति की व्याख्या। विश्वास का बल कितना अनन्य साधारण होता है वह बात, पुस्तकी विद्या मूल बात नहीं है और मुख्य बात होती है संतों के उपदेशों को। शास्त्र में जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया गया है, जो साधना पद्धतियों का वर्णन किया गया है, सिर्फ पढ़कर नहीं उसको अपने जीवन में उतार कर अनुभव करना चाहिए। यह सब बातें श्री रामकृष्ण देव ने बड़े सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत की। उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ये भली भांति जानते हैं कि ज्ञान योग के कुछ विरले ही अधिकारी होते हैं, सर्वसामान्य जीव जो हैं उसमें देह तादात्म्यता या विषय सुख के प्रति आकर्षण बड़ा ही प्रबल होता है। अतः सामान्य जीव के लिए मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ इत्यादि ये जो नेति वाचक साधना है वह आसान नहीं है। इसका पूरा पूरा ज्ञान श्री रामकृष्ण देव को था और श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतार पुरुष परब्रह्म जो नर रूप धारण करके आते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए तो आते ही नहीं हैं। वे तो सर्वसामान्य जीव का उद्धार करने हेतु आते हैं। अतः सर्वसामान्य जीव की मनोदशा क्या होती है, उसके लिए कौन सा मार्ग सरल है और वह मार्ग भी पालन करते हुए विघ्न बाधा के रूप में साधक के जीवन में क्या क्या बातें आ सकती हैं, यह सब सोचकर ही श्री रामकृष्ण देव ने भक्ति योग का रहस्य, लेकिन उसी के साथ साथ निष्काम कर्म की बात भी उठाई है। क्योंकि श्री रामकृष्ण जिनका वर्णन स्वामी विवेकानंद अवतार वरिष्ठाय इस रूप में करते हैं, तो अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण ये भली भांति जानते थे कि अगर मैं निष्काम कर्म का मार्ग भी बताता हूँ तो सर्वसामान्य जीव के लिए दो पल में ही बस किसी से सुन लिया और मैं निष्काम बन गया, ऐसा संभव नहीं है। और इसीलिए निष्काम कर्म योग का या कर्म रहस्य क्या है यह भी, उस पर भी श्री रामकृष्ण देव निश्चित रूप से प्रकाश डालते हैं और हमारे लिए ये ज्ञान मिश्रा भक्ति का रसायन जैसे प्रस्तुत कर देते हैं। तदर्पित अखिल आचारः, तदर्पित उस परम पिता परब्रह्म मेरे इष्ट देवता उनके चरणों में ही मेरे सब कर्म समर्पित हैं। पिछले प्रवचन में जैसे मैंने ये तीन स्तर बताए कर्म के, वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, तो तदर्पित अखिल आचारः, श्री श्री भगवान के चरणों में मैं अपने समस्त कर्म और कर्म कहने का अर्थ कर्म तो निश्चित ही अर्थात कर्तृत्व बोध और उसी के साथ साथ कर्म फल भी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में
मेरे जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के भी सभी कर्म और कर्मफल तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूँ। मेरे द्वारा जो जो कर्म किए गए हैं उसके पीछे आपकी प्रेरणा, आपकी योजना ही कार्यान्वित हो रही थी। ऐसा भाव हृदय में धारण करके हमको रहना है, और अगर ऐसा भाव हम धारण कंटिन्यूअसली और बड़े ही इंटेंसली, ये जो दो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूअसली सतत नियमित रूप से और इंटेंसली अंतःकरण पूर्वक संपूर्ण हृदय से हम ये भाव लेकर जब चलते हैं, अर्थात कभी कभी ऐसा हो जाता है, अधिकांश ही ऐसा होता है कि कोई भाव को कंटिन्यूअसली सतत नियमित सदैव बनाए रखना वो भी अभ्यास के द्वारा ही होता है, अर्थात बीच बीच में हमारा भगवान का विस्मरण हो जाता है। और इसीलिए ये जो दूसरी बात आती है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तो इसके आधार से ही जैसे श्री रामकृष्ण हमको बता रहे हैं कि साधन भजन में हमको लग जाना चाहिए। मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उसी की ओर हमको बढ़ना है। और याद रखना है कि जो जो बातें हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाने को हमको अनुकूल है, सहायता करने वाली है, उनको हम अपनाएंगे, और जिनके कारण हम भगवान से दूर चले जाएंगे, अपने ध्येय से विच्युत हो जाएंगे, ऐसी जो बातें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। और इसीलिए ये सब बातें श्री रामकृष्ण देव ने बड़े सहज सुंदर ढंग से विविध दृष्टांतों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए हुए हैं, और इसीलिए शायद महेंद्रनाथ गुप्त हमारे जैसे भविष्य में जो कथामृत का अध्ययन करेंगे उनके अंतःकरण में यह भाव जगाने हेतु ही शायद महेंद्रनाथ गुप्त इस सप्तम कैंटोन को या सप्तम भाग को शीर्षक दे बैठे हैं, अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। अहेतुक, श्री रामकृष्ण देव का कोई हेतु नहीं है, अहेतुक। तो अहेतुक का अर्थ क्या है? इन रिटर्न ये जो भगवत प्रसंग श्री रामकृष्ण विद्यासागर को निमित्त बनाकर, यहाँ बिल्कुल सुंदर शब्दों में महेंद्रनाथ गुप्त ने वर्णन किया है, सबकी जबान बंद है, लोग चुपचाप बैठे हैं, श्री रामकृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बात कर रही हैं, अर्थात विद्यासागर या विद्यासागर के घर में उपस्थित जो लोग, उनमें से जो जिज्ञासु, ये सब तो निमित्त मात्र हैं, आने वाले भविष्य में मनुष्य के, मानव के, सामान्य जीव के अंतकरण में ईश्वरीय भाव जगाना यही हेतु है। लेकिन श्री रामकृष्ण का यह हेतु उसको अहेतुक बोला गया है, अर्थात श्री रामकृष्ण हमसे कोई फीस नहीं चाहते, हमसे कोई प्रशंसा नहीं चाहते, रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहते। आजकल सुना है कि रिटर्न गिफ्ट का बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में जीवोद्धार की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और उसी भाव से प्रेरित होकर हमारे लिए कि हमारा मनुष्य जन्म कैसे सफल हो, उसके लिए श्री रामकृष्ण बड़े ही आंतरिकता के साथ ये सब बातें घर घर जाकर बताया करते थे। विद्यासागर यह एक निमित्त मात्र हैं, विद्यासागर से ये जो ठाकुर कह रहे हैं
यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं ना। अर्थात यहाँ श्री रामकृष्ण जता देते हैं कि ये सब मैंने जो कहा इट इज़ आउट ऑफ रियल लव, आउट ऑफ कंपैशन, कृपा परवशत, आउट ऑफ कंपैशन, आपके कल्याण की भावना लेकर ही ये सब मैंने कहा है। और इनडायरेक्टली जैसे श्री रामकृष्ण देव समझा रहे हैं कि बस मैंने तो आपको बता दिया है, बाकी इसको स्वीकार करना या इसको छोड़ देना या इसका आंशिक स्वीकार करके अपने जीवन को बनाना, ये सब कुछ स्वतंत्रता तो आपकी स्वाधीनता। देखिए श्री रामकृष्ण कभी हमारी स्वाधीनता पर अंकुश नहीं लगाते इस तरह से कि नहीं यही तुम्हें करना ही होगा, इस तरह से नहीं बोलते। लेकिन उनके वार्तालाप का जो शैली है, जो पद्धति है, वही इतनी अपूर्व है। ये जो बात आगे आकर महेंद्रनाथ लिखते हैं, वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित तो हो रहे हैं। और ये आनंद कैसा है, यहाँ देखिए श्री रामकृष्ण देव ये जो आध्यात्मिक संवाद कर रहे हैं लोगों के साथ, जिसको लेकर लोग आनंदित तो हो रहे हैं। यहाँ तो कोई किसी को सोना चांदी तो दिया नहीं जा रहा है, ना रुपए पैसे दिए जा रहे हैं, और ना ही बहुत सुस्वादु भोजन दिया जा रहा है या कोई रिटर्न गिफ्ट दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सभी लोग श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर आनंदित हो रहे हैं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव साक्षात ईश्वर, साक्षात परब्रह्म, अवतार पुरुष, तो उनके शब्दों में यह अपूर्व सामर्थ्य है जिसके फलस्वरूप सुनने वाले के अंतःकरण में एक सात्विक भाव जाग उठता है। सात्विकता का जागरण, सात्विकता का प्रभाव का विस्तार और फलस्वरूप आध्यात्मिक चेतना का सृजन होना, यह बात हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण विद्यासागर को दक्षिणेश्वर पधारने का आमंत्रण देते हैं कि एक बार बगीचा देखने आइएगा ना, रानी रासमणि का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। अर्थात भाई जगह अच्छी क्यों न होगी, रानी रासमणि का बगीचा अर्थात दक्षिणेश्वर का स्थान। देखिए दक्षिणेश्वर अपना एक अनन्य साधारण महत्व लेकर हैं। दक्षिणेश्वर एक तीर्थ भूमि है। दक्षिणेश्वर सिर्फ वहाँ भवतारिणी माँ काली का मंदिर है, वहाँ राधाकांत जी का मंदिर है, वहाँ 12 शिव मंदिर हैं, इसीलिए दक्षिणेश्वर तीर्थ कहा जाता है क्या? तो जी हाँ, निश्चित रूप से जहाँ भगवान की नित्य आनुष्ठानिक पूजा होती है, जहाँ नित्य भगवान को सुबह जगाया जाता है, पूजा होती है, अन्नभोग लगाया जाता है, आरती होती है, भगवान को शयन दिया जाता है, ये सब जो पूजा पद्धति की आनुष्ठानिक बातें, इसका हूबहू पालन तो निश्चित रूप से होता है। उसी के साथ साथ वहाँ भजन पूजन होता है, संकीर्तन होता है। तो ऐसा जो स्थान जहाँ सतत ईश्वर को लेकर भजन संकीर्तन, भगवान की पूजा, स्तोत्र पाठ इत्यादि हो रहा है, तो वह अपने आप में एक तीर्थ तो जरूर बन जाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें यह याद रखना है, दक्षिणेश्वर यह श्री रामकृष्ण देव की साधना भूमि भी है। रानी रासमणि ने जब मंदिर का निर्माण किया, रानी रासमणि के इस मंदिर का निर्माण भी
वह भी एक अद्भुत अपूर्व कहानी है। रानी रासमणी जो बड़ी ही कर्तृत्ववान एबल एडमिनिस्ट्रेटर और अंतःकरण में दया लेकर चलने वाली, न्याय लेकर चलने वाली ऐसी व्यक्ति थी। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि रानी रासमणी महाकाली उसकी जो अष्ट सखियाँ हैं उनमें से एक हैं। और रानी रासमणी उन्होंने बहुत अमीर जमींदार, उन्होंने सोचा कि हम बनारस जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। तो बनारस जाने की सभी प्रस्तुति हो गई और रानी को देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुमको इधर उधर बनारस में वगैरह तीर्थ यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गंगा जी के किनारे अच्छी सी जगह देखकर मेरे लिए मंदिर बांधकर मेरी प्रतिष्ठापना करते हुए वहाँ मेरी पूजा सेवा का सब अरेंजमेंट कर दो, तुम्हारी तीर्थ यात्रा का ही फल तुमको प्राप्त होगा इत्यादि। और हम रामकृष्ण देव का चरित्र जब पढ़ते हैं तो रानी रासमणी ने यह जो उनमें उनको जो देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर बात कही उसको लेकर वह बहुत सीरियस हो गई और कहना न होगा कि उन्होंने बनारस जाने का पूरा प्रोग्राम एक तरह से कैंसिल करके दक्षिणेश्वर में गंगा जी के दोनों तट पर भूखंड खोजने का प्रारंभ कर दिया। और आज जिसको हम दक्षिणेश्वर कहते हैं, जहाँ भवतारिणी का, माँ काली का सुंदर मंदिर है और जहाँ राधाकांत जी का मंदिर है, 12 शिवलिंग हैं, यह स्थान, इसकी निर्मिति और उसी स्थान पर रामकृष्ण जी के, ठाकुर के बड़े भाई रामकुमार पुजारी के रूप में उनका वहाँ नियुक्त हो जाना, उनके साथ साथ श्री रामकृष्ण देव का दक्षिणेश्वर में आगमन और दक्षिणेश्वर के आगमन के बाद, रामकुमार जी के देहांत के बाद श्री रामकृष्ण माँ काली के पुजारी हो गए। और यहीं से हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, उनके जीवन में साधना पर्व प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणेश्वर में रहते हुए लगभग 12 साल श्री रामकृष्ण देव ने सभी साधनाएं आचरण में लाकर विविध देवी देवताओं को उन्होंने दर्शन किया, विविध देवी देवताओं ने उनको दर्शन दिया और उनके पूत देह में, पवित्र देह में वे एक रूप हो गए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, सौर्य संप्रदाय, ऐसे विविध संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों की अपनी अपनी उपासना पद्धति है, साधना पद्धति है। श्री रामकृष्ण देव ने इन सभी साधनाओं का अपने जीवन में पालन किया। वही भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में उन्होंने तंत्र साधना भी की, वैष्णव संप्रदाय के विविध मतों की साधना पद्धतियों का अवलंबन किया, राम लल्ला का दर्शन किया, अर्थात रामायणपंथी साधु भी ठाकुर को मार्गदर्शन करने आ गए जैसे। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में दक्षिणेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव ने दीर्घ काल तक साधन भजन किया है और विविध देवी देवताओं का दर्शन भी प्राप्त कर लिया है। सिर्फ श्री रामकृष्ण देव ने ही नहीं, एक तरह से श्री श्री माँ शारदा का भी साधन स्थल अगर कौन सा है, ऐसा अगर हम माँ के चरित्र को पढ़कर खोजने का प्रयास करते हैं, तो
तो श्री श्री माँ की भी प्रधान साधना दक्षिणेश्वर के देवस्थान में ही आचरण में लाई गई। अर्थात इस दृष्टि से भी दक्षिणेश्वर एक साधन भूमि है, एक तपोभूमि है। दक्षिणेश्वर में ही स्वामी विवेकानंद जैसे भविष्य में अद्वैत वेदांत का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में करने वाले श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों और वाणी को सारे विश्व में फैलाने वाले संदेशवाहक यह स्वामी विवेकानंद जी, वे भी दक्षिणेश्वर में ही श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए हैं, बारंबार आए हैं श्री ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर में विवेकानंद, और श्री रामकृष्ण देव के अन्य गृही भक्त एवं सन्यासी शिष्य भी। तो इस तरह से यह दक्षिणेश्वर एक बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से परम रमणीय, आध्यात्मिक संपन्न, आध्यात्मिक भाव से भरपूर ऐसा पवित्र स्थान है। और जरा आप कल्पना करके देखिए, आज भी इतने सालों के बाद भी अगर हम दक्षिणेश्वर जाते हैं, श्री रामकृष्ण देव जिस कमरे में रहा करते थे, श्री श्री माँ शारदा जिस नौबत खाने में रहती थी, वह सब आज भी सुंदर रूप से मेंटेन किया हुआ है। वहाँ जाते ही मन एक अपूर्व शांति से भर जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान की लीला तो हुई ही थी, उसी जगह भगवान ने निवास भी किया था। श्री रामकृष्ण देव का चरित्र जब हम अध्ययन करते हैं, श्री रामकृष्ण देव के एक गृही शिष्य रानी रासमणि के जामाई मथुरानाथ विश्वास, उनके कानों पर खबर आई कि श्री ठाकुर माँ भवतारिणी की पूजा ठीक से नहीं करते। बोले, ठीक से नहीं करते का मतलब क्या हुआ? तो बोले, पूजा करते हुए श्री रामकृष्ण कभी कभी जो फूल माँ के चरणों में चढ़ाने हैं, वे अपने ही सर पर, अपने ही ऊपर ढाल लेते हैं। कभी कभी वे श्री जगदम्बा को जो अन्नभोग या नैवेद्य दिखाया जा रहा है, तो किसी बिल्ली को खिला देते हैं। ऐसा बहुत अद्भुत आचरण रामकृष्ण कर रहे हैं, श्री श्री ठाकुर कर रहे हैं, और ये सब ठीक नहीं है। ये सब जो आचरण हो रहा है, ये पूजा पद्धति के बड़ा ही विरुद्ध महसूस होता है। क्या कभी ऐसा करते हैं कोई पुजारी? पुजारी को तो बहुत पवित्र होकर, साफ सुथरा, स्वच्छ रहकर ये सब करना है, और यहाँ तो सब बहुत कुछ उल्टी बातें हो रही हैं, ऐसा हमको लग रहा है। तो जब मथुर बाबू के पास यह सब एक तरह से शिकायतें पहुँच गई, तो मथुर बाबू खुद दक्षिणेश्वर में ठाकुर की पूजा देखने के लिए चुपचाप चले गए, बगैर सूचना दिए। और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की एक दिव्य भाव लेकर, वह जो भाव संपन्न, भाव से भरपूर, भक्ति से भरपूर, विश्वास की भावना से भरपूर श्री रामकृष्ण के लिए, ठाकुर के लिए भवतारिणी की वह जो काले पाषाण की सुंदर मूर्ति है, श्री विग्रह है, वह कोई सिर्फ पाषाण की मूर्ति नहीं, साक्षात चिन्मयी मूर्ति, जीवंत, वहाँ जागृत माँ बैठी हुई हैं। यह जागृत देवी हैं और यह मेरी माँ है। यह इतना गहरा भाव ठाकुर के हृदय में था, मथुर बाबू यह सब देखकर बड़े ही आनंदित हो गए। और देखिए मथुर बाबू का निरीक्षण कितना सुंदर है। उन्होंने जाकर रानी रासमणि को, अपने सासू जी को, जिनके कानों पर भी यह खबर गई होगी, देवस्थान के जो कुछ कर्मचारी थे उन्होंने शायद रानी रासमणि को जाकर भी बताया होगा कि छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री ठाकुर पूजा ठीक से नहीं करते।
तो मथुर बाबू ने रानी रासमणी को जाकर कहा कि सासू जी, आपको हम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अद्भुत पुजारी हमको मिल गए हैं और मेरा पूरा विश्वास है श्री श्री ठाकुर की पूजा से माँ की शक्ति यहाँ जागृत हो जाएगी, श्री श्री माँ यहाँ स्वयं पधार कर जागृत होकर हमारी पूजा स्वीकार कर रही हैं, अद्भुत पुजारी हैं श्री रामकृष्ण। तो देखिए, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जरा कल्पना करके देखिए, स्वयं श्री रामकृष्ण मथुर बाबू को यह बता रहे हैं कि एक बार बगीचा देखने जरूर आइएगा, रानी रासमणी का बगीचा अर्थात दक्षिणेश्वर स्थान। तो ये सब बातें जो हो रही हैं 1882, 5 अगस्त 1882, इसके पहले अगर श्री श्री ठाकुर के चरित्र को पकड़ पकड़ कर हम अगर चिंतन करें तो लगभग 1872 के पहले ही श्री श्री ठाकुर की सभी साधनाएं समाप्त हो गई थी। जैसा मैंने कहा, वैष्णव शाक्त यानी शक्ति उपासना, शिव जी की उपासना, राम जी की उपासना, कृष्ण जी की उपासना, 64 तंत्रों की उपासना, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की साधना, वेदांत की साधना तोतापुरी जी के मार्गदर्शन में, तो श्री रामकृष्ण देव ने इन सभी साधनाओं के द्वारा हर साधना का जो उद्देश्य गंतव्य स्थल होता है, जो जो इष्ट देवता है, उन सभी का दर्शन प्राप्त कर लिया है। भक्ति मार्ग में जो पंच भावों का वर्णन आता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन पंच भावों को लेकर भी श्री रामकृष्ण देव की साधना सफल संपूर्ण हो गई थी। इस दृष्टि से भी देखें तो दक्षिणेश्वर का अनन्य साधारण महत्व हमारे मन में जागृत हो जाएगा। तो ऐसे पवित्र स्थान पर युगावतार श्री रामकृष्ण स्वयं विद्यासागर को बता रहे हैं, बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सत्य तो यही है भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री श्री रामकृष्ण देव का यह आमंत्रण आज भी उतना ही सचेतन है। आज भी श्री श्री रामकृष्ण, चैतन्य स्वरूप श्री रामकृष्ण, चिन्मय रूप श्री रामकृष्ण, जैसे आपको और हमको, मुझे और आपको भी, हम सबको जैसे निमंत्रण देकर कह रहे हैं, दक्षिणेश्वर आइएगा, रानी रासमणी का बड़ा सुंदर बगीचा है, वहाँ भवतारिणी माँ काली का सुंदर मंदिर है, राधाकांत जी की सेवा होती है। देखिए, एक तरह से श्री रामकृष्ण देव का यह बुलावा, आजकल की हमारी मॉडर्न भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग इन्विटेशन। तो भाई, श्री रामकृष्ण देव का यह स्टैंडिंग इन्विटेशन है हम सबको। तो चलिए प्लान बनाते हैं श्री श्री रामकृष्ण देव के इस तपोभूमि, साधन भूमि दक्षिणेश्वर जाकर हम अपना जीवन धन्य करेंगे। देखिए कैसा सुंदर वर्णन आता है, विद्यासागर कहते हैं, जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं ना आऊंगा। यहाँ श्री रामकृष्ण तुरंत एक उद्गार यहाँ ठाकुर के श्री मुख से आ जाते हैं, मेरे पास राम राम, अर्थात यहाँ श्री रामकृष्ण देव अपने आप को छुपा लेते हैं, मेरे पास नहीं, नहीं मेरे पास नहीं, आप मुझे दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर मत पधारिएगा, आप यह भाव लेकर आइएगा कि मैं
भवतारिणी महाकाली के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, भगवती के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मेरा दर्शन नहीं 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 नहीं। अर्थात यहाँ श्री रामकृष्ण देव अपने आप को छुपा लेते हैं। देखिए अवतार को समझना इतना आसान नहीं होता। साधारण आम आदमी जो होता है, जो एक सर्वसाधारण जिंदगी या जीवन यापन करने वाला वह होता है, क्या हम अवतार को सहजता से पहचान सकने की क्षमता रखते हैं? हमारे में वह क्षमता नहीं होती। ये तो प्रभु की कृपा है। यहाँ मास्टर महेंद्रनाथ गुप्त ने, मास्टर ने ये जो शीर्षक दिया है, अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। कृपा सिंधु, श्री रामकृष्ण देव ने कृपा करके अपने अवतार स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है, जिसके फलस्वरूप उनको समझना या उनको पहचान कर उनके चरणों में नतमस्तक होना हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है। इसलिए कहता हूँ कि साधारण आम आदमी जो होता है, उसके लिए अवतार को पहचानना इतना सहज नहीं होता। और अवतार पुरुष भी, जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जानते हैं कि सामान्य जीव शायद मुझे नहीं पहचानेगा, तो कृपा करके मुझे ही उसके आँखों पर ये जो अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, उसको मुझे ही ढीली करना पड़ेगा, मुझे ही यह पट्टी खोलनी पड़ेगी। और इसलिए अवतार की जो लीला है वह बड़ी अगम्य, अर्थात समझ में आना बड़ा कठिन होता है। ईश्वर किसी भाग्यवान व्यक्ति के सामने ही अपने असली स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त स्पष्ट रूप से हमें समझा दे रहे हैं कि भले ही श्री रामकृष्ण देव अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वे अपने आप को छुपाने में निश्चित रूप से सफल नहीं हुए हैं। और यही हमारे लिए बड़ी आनंद की वार्ता है। यह जो कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण है, अहेतुक रामकृष्ण है, उनका यह निमंत्रण आज भी उतना ही सतेज है। सो श्री रामकृष्ण हैड गिवन ए स्टैंडिंग इन्विटेशन। हम उनकी पुकार, आओ आओ, तो चलो श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में हम जाकर नतमस्तक होकर श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वाणी को समझकर अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपना आध्यात्मिक जीवन बनाने का पूरा पूरा प्रयास, लगन के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, अनुराग के साथ, दक्षता के साथ करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण देव भी हमें वह शक्ति सामर्थ्य, साधन भजन के लिए जो आवश्यक बातें हैं, वे सभी हमको निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम हमारा जीवन सफल करने में यशस्वी हो जाएंगे। ओम शांति 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 ही, हरि ही ओम। तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।